जीत सुनिश्चित है और कई जगह ऐसी हैं आप सबकी भी जानकारी में है जहां पर मुकाबला सीधा लोक जनशक्ति पार्टी से ही है। तो ये बात स्पष्ट है कि 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे, इससे पहले कि आपने से कोई संख्या पूछे, संख्या बताने की बजाय इतना ज़रूर मैं स्पष्ट करके बता दूंगा आप लोगों को कि भाजपा के नेतृत्व में जो मैं डे वन प्रचार की जब से शुरुआत हुई थी उस दिन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी, इसमें अब इसके बाद कोई संदेह बचता नहीं है। और बल्कि मैं आग्रह भी करूँगा कि जितने बिहारी हैं जो भी चाहता है कि भैया भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने, भाजपा लोजपा की सरकार बने, एक भी मत अपना बर्बाद नहीं करें जनता दल यूनाइटेड को देकर। इस बात को मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ, कि एक एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को जाएगा वो कहीं ना कहीं बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। पहले ही पलायन की समस्या से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, पिछले 15 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की वजह से बिहार से पलायन और ज़्यादा बढ़ा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के कारण से बिहार की व्यवस्था और ज़्यादा खराब हुई है, उसी वजह यही तमाम चीज़ें कारण हैं कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के तमाम प्रत्याशियों से और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जनता का विश्वास, बिहारियों का विश्वास पूरी तरीके से उड़ चुका है। आज साथियों जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, हम लोग सब जान रहे हैं कि तीसरे फेज में चुनाव चल रहा है, अधिकांश हिमाचल का हिस्सा उसमें चुनाव मतदान में लोग जाएंगे अपना मत डालने वहाँ पर। आज मैं जानना चाहता हूँ मौजूदा मुख्यमंत्री से, और जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तब से मैं उनसे बार बार ये सवाल कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री बहरहाल नीतीश कुमार जी मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से उनको कोई परहेज नहीं है, तुरंत वो सामने आते हैं मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, मेरे बारे में तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें मेरे बारे में लीक की जाती हैं, वीडियोस से लेकर तमाम तरीके की थ्योरीज मेरे बारे में साझा करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पूरा समय है। पर एक सवाल जो मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, अगर वो आज भी इस बात का जवाब दे दें तो मैं मानूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ किया। मैं डे वन से पूछ रहा हूँ कि पिछले 5 साल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कोई एक उपलब्धि बता दें, एक उपलब्धि बता दें कि भैया 5 साल में उन्होंने या उनके विधायकों ने या उनके मंत्रियों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जनता उन पर विश्वास रखकर उन्हें पुनः अगले 5 साल के लिए उन्हें चुने। और दूसरी ये बात भी जरूर बताएं कि अगले 5 साल का उनका रोड मैप क्या है। पूरा चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, उसमें सिर्फ हम लोग ये सुनते रहे कि भैया हमने तो इतना काम किया है, हमारा तो सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा के बिना हम कुछ जानते ही नहीं है। भैया सेवा में आप किए क्या बता तो दीजिए, एक बार एक जानकारी तो बताइए कि पिछले 5 साल में सेवा करते करते आपका मेवा की तो जानकारी सबको पता चल गई, जो भ्रष्टाचार आपने किया, पर सेवा में आपने किया क्या जनता के लिए? या अगले 5 साल अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप बताएं कि आप उसमें क्या करेंगे। जितनी जानकारी मुझे है, शायद संभवतः साहब उसी तरफ कहीं रुके हुए हैं, सीमांचल के इलाके में ही कहीं उस तरफ उनका रात्रि उनका ठहरने का उनका कार्यक्रम था। अगर रुके हैं तो मैं उस क्षेत्र की जनता से मैं आग्रह करूँगा कि भैया उस इलाके में सबसे ज़्यादा बाढ़ के पानी से लोग परेशान रहते हैं। मैं आग्रह करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जनता जाए वहाँ पर, पूछे कि साहब बता तो दीजिए कि अगले 5 साल आपकी क्या योजना है कि बिहार में बाढ़ से हम लोग परेशान नहीं हों, उसके लिए हम लोग को विस्थापित होना नहीं पड़े, अपना घर बार छोड़कर हम लोग को नहीं जाना पड़े। एक कोई अपना रोड मैप बताएंगे कि नहीं बताएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? मैं जनता से मैं आग्रह करूंगा कि साहब के पास जाएं और साहब से जानकारी लें, अगर साहब मिलने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरी बार जनता से कब मिले थे या जनसंवाद उन्होंने कब किया था, जनता के बीच वो कब गए थे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जनता से संवाद करने में बहुत ज़्यादा वो विश्वास रखते नहीं हैं, और यही कारण है कि मंच के सामने भी सोचिए जो व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान जनता से संवाद करना उचित नहीं समझे, जब आज चुनाव प्रचार के लिए आप जा रहे हैं, मंच के सामने अगर आपका विरोध हो रहा है, इस तरीके से आपका रिएक्शन आता है, क्यों नहीं आप उनको बुला के आप पूछते कि भैया बताइए क्या समस्या है, क्यों तुम इतना नाराज़ हो, क्यों तुम इतना परेशान हो? अगर महंगाई समस्या है तो बात कीजिए ना उससे, बताइए कि नहीं अगर मैं दोबारा सरकार में आऊँगा तो ये कारण होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगा, जिसकी वजह से महंगाई को हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे। उल्टा सामने वाले को उकसाना, फेंको फेंको और फेंको, जिस तरीके से ये किया गया मैं उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ।
और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता के पास आज की तारीख में जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, सबसे बड़ी ताकत बिहारियों के पास मतदान की है। आपका आक्रोश है मुख्यमंत्री जी के प्रति, जो कि स्वाभाविक है और जो कि अब सबकी जानकारी में भी है। ये कोई हिडन अब बात नहीं रही, सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक सुपर अंडरकरेंट चल रहा है, उनके खिलाफ एक मेजर आक्रोश जनता के बीच चल रहा है। पर आक्रोश को मतदान के माध्यम से दिखाइए। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी के ऊपर शारीरिक हमला करना, इसका मैं पक्षधर नहीं हूँ, इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। बट हाँ, अगर जनता इस तरीके से आक्रोश दिखा रही है तो उनको सीधा ये बोलना कि अरे तुम लोग चले जाओ सभा से, तुम लोग जाओ जाओ भागो यहाँ से, क्या है तुम लोग मुट्ठी भर लोगों, क्या करोगे भाई। ये मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होते 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 आज इतनी बड़ी ताकत बन गए हैं कि अगली 10 तारीख को आपको एक अनन्य मार्ग से आपको घर खाली करना पड़ेगा। ये मुट्ठी भर लोगों की ताकत इकट्ठी हो चुकी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं चाहूँगा कि अगर वो जनता से अगर मिले और जनता अगर उनसे मिल पाए, रात्रि विश्राम वो जहाँ पर कर रहे थे, तो जनता जाकर पूछे साहब से कि भाई जानकारी तो दीजिए कि आप अगले 5 साल में बिहार में बाढ़ पुनः नहीं आएगी, उसके लिए आपने क्या तैयारियाँ आपने की है। मैं कोई जोशी नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पर फिर भी आज की तारीख में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगले साल पुनः, क्योंकि ये निरंतरता में हम लोग देखते आए हैं। और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 15 सालों में कोई एक साल आप ऐसा बता दीजिए जब बिहार में बाढ़ नहीं आई हो। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐसे क्या प्रबंध किए हैं या ऐसे क्या कदम उठाए हैं कि अगली बार जब बाढ़ आए तो उसको अगर आप पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए तो कम से कम उसके प्रभाव के असर को आप उसको कम कर पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कदम उठाए हैं उसकी तो जानकारी दें कम से कम। जैसा मैंने आप लोगों के सामने उजागर किया कि 7 निश्चय बिहार में, बिहार के इतिहास में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। उसके बाद मैंने ये जानकारी आप लोगों के सामने साझा की कि शराबबंदी भी उसी क्रम में बिहार में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। शराबबंदी की विफलता, इससे पहले तो जब खुलेआम मिलती थी तो कहीं ना कहीं राजस्व आता था, बट अब मुख्यमंत्री बताएं कि ये जो ब्लैक का पैसा है, जो तस्करी का पैसा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है? 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, उसके लिए ये पैसा अर्जित किया जा रहा है? ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि शराब तो खुलेआम बिक रही है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। किसी एक आम बिहारी को चौक चौराहे, चाय की दुकान, नुक्कड़ पर, कहीं पर भी आप पकड़ के पूछ लीजिए कि भैया बिहार में शराब मिलती है क्या, उसका तुरंत छूटते जवाब होगा मिलती, होम डिलीवरी होती है भैया, घर पर आके देके जाता। तो ये हर बिहारी को पता है, ये सबसे बड़ी एक और भ्रष्टाचार की योजना है। इसी क्रम में जो तीसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, ये मैं सब आपको गिना इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगली सरकार में इन सब चीज़ों की जांच होगी और मुख्यमंत्री तक यकीनन इसकी आँच आएगी। और जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के प्रति, उन मुख्यमंत्री को मैं ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री इस बात को प्रमुखता से कहते हैं कि भैया करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कोई समझौता नहीं करते, हमारा कोई टॉलरेंस नहीं रहता भ्रष्टाचार को लेकर। तो मुख्यमंत्री बताए ना कि भैया बाढ़ हर साल आती है हमारे प्रदेश में, हर साल बाढ़ आती है, और हर साल आप बाढ़ राहत के नाम पर आप एक बड़ी राशि आप निकालते हैं अपने अपने खजाने में से, हर साल ये निकासी, ये राशि निकाली जाती है। बताएं मुख्यमंत्री कि ये पैसा जाता कहाँ, क्योंकि तटबंध आपके हर साल टूटे हुए मिलते हैं, बाढ़ का प्रकोप हर साल उल्टा बढ़ता ही जाता है। इस साल जिस तरीके से बाढ़ आई, इस साल जिस तरीके से बिहारियों को विस्थापित होना पड़ा, जिस तरीके से उनको परेशानी झेलनी पड़ी, फिर आपने बाढ़ राहत के नाम पर आपने एक बड़ी रकम निकाली, पर वो रकम जाती कहाँ है? और ये आप हर साल निकालते हैं। भैया ताजुब होता है मुझे कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर हर साल बाढ़ के लिए आप रकम आप निकाल के देते हैं, और उसके बाद हर साल बाढ़ की वही हालत होती है, वही स्थिति होती है, एक बरसात में फिर आपके तटबंध टूट जाते हैं। तो ये पैसा जाता क्या है साल दर साल, साल दर साल? आप मुझे पिछले 15 साल में कोई एक ऐसी पुख्ता योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें जिसकी वजह से वो दावे के साथ ये बोल सके कि अगले साल जब बरसात आएगी तो उसमें बिहार का बुरा हाल नहीं होगा या बाढ़ का प्रभाव हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे। एक कोई योजना बता दें। मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात में मैंने उनसे आग्रह किया था कि सर हम लोग को नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना चाहिए, हम लोगों को कैनाल्स बनाने चाहिए, वाटर को डाइवर्ट करना चाहिए, वाटर लॉक्ड इलाकों से ऐसी जगह जहां पर ज्यादा पानी होता है उस जगह से हम लोग को डाइवर्ट करके ऐसे क्षेत्रों में लेके जाना चाहिए, क्योंकि बिहार का आधा हिस्सा जो बाढ़ प्रभावित रहता है आधा सुखाड़ प्रभावित भी रहता है, तो उन हिस्सों से पानी को डाइवर्ट कर हम लोग को सुखाड़ इलाकों में लेके जाना चाहिए। पर पिछले 15 सालों से
मुख्यमंत्री इसके ऊपर हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। हर साल एक बड़ी राशि वो निकालते हैं बाढ़ राहत के नाम पर। अब वो पैसा किसकी जेब में जाता है, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी जांच का विषय है। तो जैसा मैंने कहा कि तीन भ्रष्टाचार की जो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ऊपर गर्व इस बात का करते हैं कि भैया मेरे रहते हुए तो बिहार में कभी भ्रष्टाचार ही नहीं हो सकता, तो बताए ना कि आज आयकर के जो छापे हो रहे हैं ये पैसा किसका मिल रहा है, ये पैसा अगर आज आज की तारीख में अगर आ रहा है तो ये पैसा किसका आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है ये पैसा नल जल योजना से। और अभी तो जैसा मैंने कहा कि इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो शराबबंदी की जब जांच होगी, जो पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक की आपने खड़ी कर दी है उसकी जांच होगी, उसमें आप जेल जाएंगे, उसके बाद इसकी भी जांच की जाएगी कि बाढ़ से भाई परमानेंट सोल्यूशन आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे। कल को नई सरकार आएगी, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन मैं करके दूंगा। ये प्राकृतिक आपदा है, आप इसको संभवतः शायद पूरी तरीके से आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, बट इसका प्रकोप कम हो, इसके प्रभाव कम हो, उसके लिए तो कम से कम आप काम कर सकते हैं। आप कैनाल्स बना सकते हैं, आप डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप नदियों को जोड़ने की योजना पर आप काम कर सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री ने पिछले 15 सालों में एक बार भी नहीं किया। तो आज मैं ज़रूर चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी इनकी सभाएँ हों, जनता इनसे ज़रूर इस बारे में सवाल पूछे, इनसे संभवतः हो तो मिलकर इनसे इस बारे में सवाल पूछे। और कुछ दिनों पहले मैंने एक विषय और उठाया था जिस पर मुख्यमंत्री जी का बार बार जो इस तरीके के जवाब देते हैं कि अरे ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, ये लोग तो पढ़ता ही नहीं है, इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। जो युवा बिहारियों पर मुख्यमंत्री बार बार टिप्पणी करते हैं कि बिहार के जो युवा हैं वो एकदम मूर्ख होते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती, अनुभवहीन होते हैं। आपके पास इतना अनुभव है तो बताए ना मुख्यमंत्री जी कि भैया आज भी 5-5 साल 6-6 साल हम लोग को डिग्री मिलने में क्यों लगता है। वहाँ से जवाब आता है, कहा जाता है कि भैया ये तो राज्यपाल के अंतर्गत का मामला है, मुझे इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, किससे सवाल पूछ रहा है। तो भैया अगर राज्यपाल के अंतर्गत आता है तो राज्यपाल क्या दूसरे देश में रहते हैं कि दूसरे प्रदेश में रहते हैं, दूसरे ग्रह पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं राज्यपाल? या उनकी और एक अनन्य मार्ग के बीच में 500-1000 किलोमीटर की दूरी है, कितने दूर रहते हैं भैया राज्यपाल? आपने कब मिलने का प्रयास किया राज्यपाल जी के सामने? आपने कब इस बात का आपने प्रस्ताव रखा कि भैया बिहार में ये गड़बड़ी हो रही है, ये धांधली हो रही है, बच्चों को डिग्री समय पर नहीं मिल रही, 3 साल की डिग्री उनको 5-5, 6-6 साल में उनको मिल रही है, इसके ऊपर हम लोग को चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है। कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको लेकर बातचीत की, मुलाकात की? या जितने जिस तरीके से यहाँ पर कॉलेजेस की हालत है, जिस तरीके से स्कूल्स शिक्षकों की हालत है, क्या ये भी राज्यपाल ही सुधार करेंगे इसका? शिक्षकों की भर्ती भी आगे राज्यपाल ही करेंगे या सारी चीज़ें केंद्र सरकार ही करेगी? और अगर आप ये सारी चीज़ें जो राज्यपाल के अंतर्गत आती है या केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर आप इसको नहीं ठीक करवा पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी दर्शाता है। इसका मतलब बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आप ही रहे हैं।